दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका आधार आपके किस किस बैंक अकाउंट से लिंक है और किस किस से नहीं। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और आपको नहीं पता कि किस किस बैंक अकाउंट से मैंने आधार को लिंक कराया और किससे नहीं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को उसी का प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप इसको किस तरह से पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैंने इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। जब आप इस पर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको गेट आधार का ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे आपको यहाँ पे अपडेट आधार का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज का, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, सिंपली आपको इसको यहाँ से टैप कर देना होगा। चलिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा या फिर आपको अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी डालनी होगी। चलिए मैं यहाँ पर अपने 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देता हूँ। और अपना आधार नंबर डालने के बाद सेकंड नंबर पर आपको जो ये कैप्चा दी हुई है, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना होगा। तो कैप्चा आपको इसी तरह से डालनी है जिस तरह से कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए मैं इस कैप्चा को यहाँ से ऐसे कैसे फिल कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना होगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से आपने लिंक करा रखा होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगी। तो चलिए वेट कर लेते हैं ओटीपी का। ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना होगा। हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे ओटीपी सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको यहाँ पर उस ओटीपी को पेस्ट कर देना है। चलिए मैं ओटीपी को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी ओटीपी फिलअप कर दी। इसके बाद आपको इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। और जैसे आप इस पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल सेंड कर दी जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंकिंग मैपिंग हैज बीन डन। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपका पूरा आधार का स्टेटस दिखाया जाता है, यहाँ पे आपको बैंक लिंकिंग डेट भी दिखाई जाती है और यहाँ पे आपको बैंक के नाम भी दिखा दिए जाते हैं जिन जिन बैंक में आपका आधार यहाँ पे लिंक होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किन किन बैंकों में लिंक है। तो दोस्तों जो प्रूफ मिलेगा आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।